पेड़ पे चढ़ना है, तो लेकिन बंदर को गिनती जो है कहाँ से कहाँ तक आती है? दस तक। एक से दस तक आती है। सबसे छोटा क्या होता है? सबसे कम क्या होता है? एक। और सबसे ज्यादा क्या होता है? दो। उससे ज्यादा? तीन। फिर चार। फिर पाँच। फिर छह। फिर सात। फिर आठ। फिर नौ। फिर दस। तो बंदर जो है गिनती गिनेगा। और इसको मैंने कौन सा क्रम बताया था अभी? हाँ, कौन सा क्रम? आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। बंदर जो है गिनती आरोही क्रम में दस तक गिनती गिनते हुए ऊपर चढ़ेगा। बेटा कैंची मत चलाओ, मिश्का। ठीक, तो हम बंदर के साथ साथ हम गिनती गिनेंगे। ठीक है, चढ़ेगा बंदर। अभी बंदर कहाँ पर है? एक। अब बंदर कहाँ आया? दो। फिर तीन। फिर चार। फिर पाँच। फिर छह। फिर सात। फिर आठ। फिर नौ। फिर दस। आ गया दस पे। ठीक, अब बंदर को उतरना है नीचे। क्या उतरना है? नीचे। तो नीचे जब उतरेगा बंदर तो उल्टी गिनती गिरेगा। सबसे ज्यादा क्या है? दस। सबसे कम क्या है? है? सबसे कम एक। तो बंदर दस से एक तक उल्टी गिनती गिनेगा, यानी अवरोही क्रम की गिनती गिनेगा। कौन सी? अवरोही। यानी जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हम गिनते हैं तो कौन सा क्रम होता है? आरोही क्रम। और जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ गिनते हैं तो कौन सा क्रम होता है? अवरोही। कौन सा होता है? अवरोही। खरी कागज कौन खाता है? बुद्धि कम हो जाती कागज खाने। ठीक, तो हम गिने सबसे। अभी कहाँ पर है बंदर? अब कहाँ पहुँचा? संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाएंगे तो आरोही क्रम। कौन सा क्रम?